हाय दोस्तों, कैसे हो आप सभी। मैं बी एस गांधी और आप देख रहे हैं गांधी टैग। दोस्तों, आज की वीडियो एमसीबी बॉक्स में है। एमसीबी बॉक्स में आइसोलेटर, सिंगल फेस, सिंगल पोल एमसीबी में न्यूट्रल और फेस कहाँ कहाँ पे कनेक्ट करते हैं, इन सभी में पूरा डिटेल से बनाया है वीडियो। तो बने रहिए मेरे साथ, देखते रहिए गांधी टैग। हाय दोस्तों, देखिए ये हमारे पास में रियो की एमसीबी है। ये हमारे पास में दो एमसीबी रियो की, ये है आइसोलेटर। आइसोलेटर और एमसीबी मैं आपको दिखा देता हूँ। ये सिंगल पोल है, सिंगल पोल एमसीबी है, ये आइसोलेटर है। आइसोलेटर और एमसीबी में डिफरेंस है, देखिए दोस्तों, ये इसमें सी आकार का सिंबल नहीं होता, जबकि इसमें सी आकार का सिंबल होता है। ये इसमें मेन सिंबल है, नहीं तो ये सेम होती है। ये सिंगल पोल एमसीबी है, यह आइसोलेटर है। आइसोलेटर ट्रिप नहीं होता है दोस्तों, जबकि ये एमसीबी जो ट्रिप हो जाती है। ये 32 एम्पेयर की एमसीबी है, सी टाइप की है, और ये 40 एम्पेयर का आइसोलेटर है। इसका टाइप वाइप कुछ नहीं होता, ठीक है। ये डीपी किस तरह होता है, ठीक है, ये सर्किट को काटने पर ही कटेगा, ना कि ट्रिप हो सकता है। अब दोस्तों, इसका कनेक्शन किस प्रकार से करते हैं मैं आपको बताता हूँ। चलिए दोस्तों, लगा देता हूँ इसको। देखिए दोस्तों, ये मैंने एमसीबी जो एमसीबी बॉक्स में लगा दिए। एमसीबी बॉक्स में किस प्रकार से लगाते हैं, देखिए ये इस प्रकार से होता है इसमें, और इसको हमें इस प्रकार से लगा देते हैं, ठीक है, इस प्रकार से लगा देते हैं। अगर आप नहीं लगा पा रहे हो तो इसमें एक ये रेड जो है वायर, एक मतलब रेड जो क्लिप है, इसको नीचे खींच लेना है और ये लगा सकते हैं इस प्रकार से। अब ये हो गए आइसोलेटर एमसीबी, एमसीबी 32 एम्पीयर की, 32 एम्पीयर की सी टाइप की है। ये आइसोलेटर 40 एम्पीयर का, ये ऑन है, ये ऑफ कंडीशन में। जो आप इसको देख रहे हो ये क्या है, इसमें एमसीबी पे क्यों लगा होता है, आप नहीं पता हो तो ये दोस्तों ये न्यूट्रल का है। इसमें हम सिर्फ फेस पीस देंगे, मैं आपको डिटेल से अच्छे से समझाऊंगा। ये मेरे पास में दो कनेक्शन आ रहे हैं, मैंने दो कनेक्शन निकाले हैं, एक अंदर से और एक बाहर से। मतलब बहुत सारे कमरे हैं तो मैंने आधा आधे कनेक्शन निकाले हैं। ये सिंगल है, ये दूसरा है। इसमें जो ब्लू वायर है ये न्यूट्रल है, और जो रेड है ये फेस है। अब इसमें मैं खम्भे की लाइन लेकर आऊँगा, मतलब मीटर से लाइन लूँगा, तो किस प्रकार से लेते हैं और किस प्रकार से इसको सेट करते हैं। तो चलिए दोस्तों, बताता हूँ मैं आपको। आइसोलेटर एमसीबी, एमसीबी दो एमसीबी सिंगल पोल की। दोस्तों, इसका कनेक्शन किस प्रकार का से, ये जो देख रहे हो इसमें एमसीबी के बॉक्स में मिल जाएगा आपको। ये ये होता है न्यूट्रल का, ये होती है, देख ये सिंगल मतलब ये आइसोलेटर है, ये न्यूट्रल है, ये रेड वायर है जो फेस का है। न्यूट्रल का वायर जो हमें इस तरह से ला के नहीं इसमें ऐड कर देना है, ठीक है, यहाँ तक आपने ऐड कर दिया। उसके बाद में जो ये फेस का वायर है रेड वाला, इसको एमसीबी के दोनों पोलों में ऐड कर देना है। इस वायर को दोनों पोलों में ऐड कर देना है, और रेड रेड वायर को दोनों वालों वो उसमें ऐड कर देना दोनों पोलों में, और ब्लू वायर को इसमें ऐड कर देना है। अब हमें करना है क्या है, अब हमें जो खम्भे की लाइन आती है उसमें न्यूट्रल यहाँ देना है, ब्लू और फेस यहाँ देना है, ठीक है, इतना करते हैं। देखिए दोस्तों, ये मेरे पास में दो मैंने दो लाइन निकाली हैं, ये दो लाइन है। उसके रेड वायर हैं जो फेस के हैं, और येलो वायर हैं जो न्यूट्रल के हैं। जो रेड वायर है जो फेस के, जो मुझे यहाँ लगाने हैं दोनों पोलों में। नीचे से मैंने फेस को कनेक्ट किया हुआ है, और सप्लाई जो यहाँ लगानी, मतलब सप्लाई सॉरी जो हमारे घर की लाइन है, होम सप्लाई, होम लाइन जो यहाँ लगानी है, और जो आइसोलेटर से मेन खम्भे वाली लाइन यहाँ लगेगी, और यहाँ से निकलती हुई ये आ जाती है यहाँ पे, और ये मैंने यहाँ लगा दिया है, ठीक है। मैं आपको फिर से अच्छे से समझाने की कोशिश करता हूँ। देखिए दोस्तों, ये आइसोलेटर है, ठीक है, यहाँ पर खम्भे की लाइन लगेगी न्यूट्रल फेस। जैसे मैं इसको ऑन करूँगा, ऑन कर दिया, उसके बाद में ये न्यूट्रल यहाँ आ गया, फेस यहाँ आ गया। इस न्यूट्रल वायर को हमें यहाँ लगा देना है, ठीक है, ये न्यूट्रल का पॉइंट है, यहाँ लगा देना है। उसके बाद इस फेस वायर को हमें ये दोनों पोलों में दे देना है, सिंगल पोल के जो एमसीबी दोनों, इन दोनों में दे देना है। जैसे मैं इनको ऑन करूँगा, ये फेस यहाँ दोनों पोलों में आ जाएगा। अब हमें जो हमारे घर की सप्लाई है, मतलब जो लाइन है हमारे दोनों, इन दोनों को हमें एक रेड को यहाँ देना है, एक रेड को यहाँ देना है। अब बचे येलो वायर, ब्लू वायर,
ब्लू वायर बचे, ब्लू वायरों को हमें क्या करना है, ब्लू वायरों को हमें यहाँ इसी में ऐड कर देना है। आप इसको इसमें कहीं पे भी ऐड कर सकते हैं। चलिए इतना करते हैं, उसके बाद में आपको बता। दोस्तों देखिए, इसमें मैंने खम्भे की लाइन दे दी, ये फेस है, ये न्यूट्रल है, आइसोलेटर में दिए फेस न्यूट्रल। मैं इसको ऑन किया, ये फेस यहाँ आ गया। ये फेस को मैंने फिर से MCV में दे दिया है, इसमें दे दिया और इसमें दे दिया, दोनों पोलों में दे दिया। इसके बाद में जो ये यहाँ से मैंने न्यूट्रल दिया है आइसोलेटर में, ये न्यूट्रल यहाँ पर आ गया। इस न्यूट्रल को मैंने इसमें दे दिया, ठीक है, ठीक है, ये MCV में होता है लगा न्यूट्रल। और जो मेरे पास में घर से दो लाइन आ रही है, देखिए दोस्तों, एक लाइन ये आ रही है, एक लाइन ये आ रही है, इसमें दो रेड है, दो ये ब्लू हैं, जो दोनों रेड हैं जो मैंने MCV के टॉप में लगाया हुआ है, यहाँ पे लगाया है और यहाँ पे लगाया है। ब्लू वायर है जो मैंने यहाँ पे लगा दिया है, ठीक है दोस्तों। अब मैं इसको ऑन करूँगा तो लाइट जो चालू हो जाएगी। इसको मैंने बॉक्सअप कर देना है, ठीक है। आपको मैं इसके देखिए दोस्तों, मैंने इसको बॉक्स कर दिया है। बॉक्स करने के बाद मैं इसको लाइन चालू कर दिया, मैंने लाइन चालू करने के बाद मैं इसको मैं आइसोलेटर ऑन करता हूँ। और यहाँ से लाइन, यहाँ तो लाइन आ चुकी है ना, इसके बाद में लाइन आ चुकी है तो ये मेरा MCV सिंगल पोल, इसको ऑन करता हूँ तो लाइन चालू हो जाएगी। दोस्तों ये लाइन घर की लाइन चालू होगी, ये थोड़ी बाहर की लाइन है रूम वूम की, बेडरूम की, जो ऑन करता हूँ। देखिए दोस्तों ये ऑन हो चुकी है, मैं ट्रिप करता हूँ यहाँ से, ये दोस्तों ये हो गई। जैसे ये हमारा शॉर्ट सर्किट होगा तो ये MCV जो ट्रिप हो जाएगी, ना कि ये आइसोलेटर ट्रिप होगा, ठीक है दोस्तों। इस प्रकार से हम इसका कनेक्शन कर देते हैं, तो मैं लगा देता हूँ।